गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी छठ पूजा ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद बना रहे हैं ठेकुआ, जो कि जो आटा होता है गेहूँ का, वो घी गुड़ वगैरह से बनता है, तो हम लोग वही बना रहे थे। और ये गेहूँ का नॉर्मल आटा नहीं होता, इसे खुद घर में धो के इसे खुद आटा इसका बनाना होता है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक माय चैनल। और आज है शाम का अर्घ। अभी जो शाम को जो अर्घ जो दिया जाता है सूर्य भगवान को, वो आज के दिन ही होता है। तो अभी वही सब तैयारियां हो चुकी है। तो कोरोना की वजह से हम लोग गंगा घाट नहीं जाएंगे, घर के छत पे ही होगा, छत पे ही दीदी देंगी अर्घ। तो हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ सॉरी, और पीयू भी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं, छत पे ही पूजा वगैरह होगी। तो अभी मुझे सूप वगैरह जो है वो सब तैयार करना है, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं आप सभी को दिखाऊंगी और आप सब हमारे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे सॉरी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी जल्दबाजी है तो कभी कभी गड़बड़ तो हो ही जाता है बोलते बोलते, तो डोंट माइंड। और चलिए चलते हैं छत पे और देखिए हमारे बिहार में छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो बाय नहीं बोलूँगी, हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और जो अर्घ जो होता है वो सूप से ही दिया जाता है, जो सूप होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं सारा फल वगैरह धो के और जो भी प्रसाद बनता है, ठेकुआ होता है, फल सारे फल होते हैं, नारियल होता है, फिर वो नींबू जो होते हैं बड़े वाले, वो क्या उसे बोला जाता मुझे नहीं पता, और सारे फल होते हैं और बहुत सारा फल ऐसा होता है जो कि मुझे उसके नाम नहीं पता, लेकिन मैं सुनती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो वो भी ये छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। तो मैं दिया भी जला रही थी साथ साथ, और तैयारियाँ हो रही थी यहाँ पे दीदी अर्घ देंगी अब। तो इस बार हम लोग कोरोना की वजह से गंगा जी के घाट पे नहीं जा पाए हैं, इस बार हम लोग घर पे ही अर्घ दे मतलब दीदी देंगी। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग भी देखिए हमारे घर में, हमारे बिहार में तकरीबन सभी घरों में ऐसे ही छठ पूजा मनाया जाता है, सभी घरों में। और थोड़ी मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लगेगी क्योंकि थोड़ी सी मौसम जो चेंज हो रहा है, तो थोड़ा जुकाम मुझे हो गया है, थोड़ी थकावट ही हो चुकी है क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है। बट बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आस्था का पर्व है, तो मैं बहुत मन से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही छठ पूजा बहुत पसंद है, पर्सनली मैं मुझे बहुत पसंद है। और घर में एक माहौल भी काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। तो वही सब तैयारी हो रही थी, दीदी मुझे बताते जा रही थी, मैं वैसा कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे लोगों ने कुछ बैलून्स और फ्लावर्स वगैरह से यहाँ पे थोड़ा सा सजावट कर दी थी, वही पे दीदी अर्घ देंगी। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे लोग हैं, तब तक आप लोग देखिए और छठ पूजा का घर बैठे बैठे देखिए कि हमारे घर में कैसे छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ पे मैं दीदी को वो सिंदूर लगा रही थी, उसके बाद ही जब हाथ में सिंदूर और वो अक्षत दिया जाता है, फिर सिंदूर लगा जाता है, उसके बाद ही सूप दिया जाता है, तो मैं वही कर रही थी। उसके बाद दीदी को सिंदूर वो सूप लेंगी और वो अर्घ देंगी, जितने भी सूप है सारे सूप को अर्घ देंगी हम लोग, फिर वो
जल देना है, वो राउंड घूमेंगी उसके बाद हम लोग जल देंगे। और यहाँ पे आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी, काफ़ी लोग यहाँ पे पटाखे जला रहे थे अपने छत पे, तो आपको सुनाई देगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो। और यहाँ पे सारा पूजा वगैरह हो चुका है, जो जो अर्घ जो दिया जाता है वो सब हो चुका है। और बच्चे भी काफ़ी, घर पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस बार कोरोना की वजह से सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने घर पे ही पूजा की, अपने सभी लोग अपने घर के छत पे ही पूजा सभी लोगों ने की थी, जितने भी पास पड़ोस के थे सभी लोग। तो काफ़ी बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। पहले हम लोगों ने सोचा था, देखिए मैं दिखा रही हूँ, सारे घर घर जितने भी घर हैं सभी की छत पे ही पूजा हो रही है, तो मैं भाई दिखा रही हूँ आप सभी से, आप सभी को सॉरी। और आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और वंस अगेन हैप्पी छठ पूजा ऑल ऑफ यू, जय छठी मैया। छठी मैया हम सभी के ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। और तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.